नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, जो आज पेपर होने वाला है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप का, तो दोस्तों उसका MCQ का मैराथन क्लास दोस्तों आ चुका है फाइनली इस चैनल पे दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और इसको बारीकी से समझते रहें दोस्तों। और हाँ, जिन छात्रों को PDF चाहिए वो हमसे चैनल डिटेल्स चेक करें, अबाउट में जाएँ, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मेरा डला हुआ होगा, वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ये PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो पर और देखते हैं आज के महामैराथन के सभी प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सीधे आज के प्रश्न पर। तो दोस्तों आ चुके हैं आज के प्रश्न पर और दोस्तों आप इन प्रश्नों को देखते जाइए। और दोस्तों हाँ, वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर चला जाएगा। और हाँ दोस्तों, जो आज पेपर होने वाले हैं इसका सही सटीक आंसर के मिलाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों अब चलिए अपना प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज है इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, काजू का उत्पत्ति स्थान है दोस्तों। जो काजू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है दोस्तों, ब्राज़ील है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि काजू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है तो आपको सही उत्तर देना होगा ब्राज़ील। और आगे है दोस्तों, भारतवर्ष में सबसे अधिक काजू का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, तो ये होता है काजू सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, इसलिए इसका आपको सही उत्तर देना होगा, जो महाराष्ट्र देना होगा। और दोस्तों आगे है, भारतवर्ष में काजू का प्रवेश हुआ दोस्तों, भारत में काजू का प्रवेश कब हुआ दोस्तों भारत में काजू का प्रवेश 16वीं शताब्दी में हुआ। ठीक, यहाँ पर शताब्दी पूछा जा रहा है तो आपको 16वीं शताब्दी लगाना होगा। और दोस्तों आगे है, काजू का प्रसारण किया जाता है तो दोस्तों काजू का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है, बीज द्वारा, रोपण द्वारा और गुटी द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा ये इसका जो प्रसारण होता है किया जाता है। और दोस्तों आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों, काजू का संवलन का समय है तो दोस्तों काजू का संवलन का समय कब है दोस्तों, तो ये होता है आपका मार्च से अप्रैल होता है। ठीक है, जहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सही उत्तर देना होगा मार्च से अप्रैल। और दोस्तों आगे देखते हैं, और आगे है दोस्तों, नारियल का वनस्पतिक नाम है तो दोस्तों नारियल का वनस्पतिक नाम क्या है होता है दोस्तों, नारियल का वनस्पतिक नाम होता है कोकस न्यूसिफेरा। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी प्रश्न को आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। और आगे दोस्तों, नारियल पैदावार की दृष्टि से संसार में किस नंबर पर आता है दोस्तों, तो भारत जो है नारियल का उत्पादन की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, इसलिए आपको जहाँ भी ऐसे प्रश्न मिले कि भारत नारियल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो आपको सही उत्तर देना होगा दूसरा स्थान। और आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है, नारियल का प्रसारण किया जाता है तो दोस्तों नारियल का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है, तो बीज द्वारा किया जाता है। ठीक है, नारियल का प्रसारण बीज द्वारा किया जाता है। और दोस्तों आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों, सामान्यतः नारियल के पौधों को कितने अंतर पर लगाते हैं दोस्तों, तो जो नारियल का पौधा होता है उसको 7.5 मीटर से 9 मीटर के रोपण अंतर पर लगाया जाता है। और आगे, नारियल में कौन सा पदार्थ तैयार किया है सॉरी नारियल से कौन सा पदार्थ तैयार किया जाता है दोस्तों, तो नारियल से नीरा, एल्कोहल और सिरका, ये सभी तैयार किए जाते हैं। इसलिए इसका जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए उसमें नीरा या एल्कोहल या सिरका इनमें से कोई भी ऑप्शन हो तो आपको टिक करना होगा। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे, नारियल की औसतन पैदावार प्रति हेक्टेयर होती है दोस्तों, तो नारियल का जो औसतन पैदावार होता है वो 10,000 से 14,000 फल होता है। ठीक है, यानी 10,000 से 14,000 जो फल होता है ये नारियल का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये उत्पादन होता है। ठीक, इसलिए जहाँ भी ऐसा प्रश्न आए आपको टिक करना होगा 10 से 14,000 या जितना या इससे सिमिलर जो होगा उसको करना होगा टिक। और दोस्तों आगे, चाय के बारे में पूछा जा रहा है, चाय का वनस्पतिक नाम क्या होता है तो दोस्तों चाय का जो वनस्पतिक नाम होता है वो कैमेलिया साइनेंसिस होता है। ठीक, कैमेलिया साइनेंसिस ये जो होता है चाय का वैज्ञानिक नाम होता है। और आगे दोस्तों, भारतवर्ष में 1999 में चाय का क्षेत्रफल कितना था दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे, भारतवर्ष में 1999 में चाय का क्षेत्रफल कितना था दोस्तों, तो आपको उत्तर में देना होगा 436,057 हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, यानी 436,057 हेक्टेयर क्या था दोस्तों, तो चाय का क्षेत्रफल था कब था दोस्तों, तो 1999 में था। और चाय का प्रसारण किया जाता है तो दोस्तों चाय का प्रसारण जो होता है वो बीज द्वारा, कर्तन द्वारा या दोनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी बीज और कर्तन दोनों द्वारा इसका प्रसारण किया जाता है। आप इन प्रश्नों को सही से दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों, क्योंकि
ये प्रश्न सभी सिलेबस आधारित प्रश्न है और इसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये मेरा दावा है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आगे देखिए आप, चाय के पौधों को लगाने की दूरी रखी जाती है, यानी चाय के पौधों का रोपण अंतर क्या होता है दोस्तों। तो चाय का जो पौधा होता है उसको 120 बाई 75 सेंटीमीटर पर लगाया जाता है। यानी दोस्तों जो चाय का होता है पौध से पौध की दूरी कितनी होनी चाहिए, 120 सेंटीमीटर, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी दोस्तों 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है दोस्तों, भारतवर्ष में चाय के उद्यानों में छाया करने हेतु पौधे लगाए जाते हैं दोस्तों। तो कौन सा पौधे लगाए जाते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए फोन रोटेट हो गया, आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला आप लोग देख सकते हैं, अल्बिजेजिया स्पीसीज जो है ये चाय के पौधों में छाया करने हेतु लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है दोस्तों, अल्बिजिया स्पीसीज जो है ये भी एक पौधे पेड़ पौधा ये भी एक पेड़ का नाम है, वैज्ञानिक नाम है। तो आप इसको चाय के बागान में लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। किसके लिए लगाएंगे, ताकि पेड़ के चाय के बागान में छाया हो। और दोस्तों आगे है, उत्तरी भारत में चाय की झाड़ी का जीवन आर्थिक रूप से होता है। तो दोस्तों चाय का झाड़ी होता है उसका जीवन होता है दोस्तों 40 से 50 वर्ष, ठीक है, 40 से 50 वर्ष होता है चाय का जो झाड़ियाँ होती है उसका आर्थिक रूप से जीवन। और दोस्तों आगे है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कॉफ़ी पैदा की जाती है दोस्तों। तो किस राज्य में की जाती है, कर्नाटक में की जाती है, यानी भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में उगाया जाता है। और दोस्तों आगे देखेंगे, कॉफ़ी का कुल है तो दोस्तों यानी कॉफ़ी का फैमिली पूछ रहा है दोस्तों, तो कॉफ़ी जो होता है वो रुबेसी फैमिली का होता है, यानी रुबेसी फैमिली जो है ये कॉफ़ी का कुल है। और आगे पूछा जा रहा है आपसे कॉफ़ी की जाति है, तो दोस्तों जो कॉफ़ी है कॉफिया अरेबिका और कॉफिया कैनेफोरा जो है ये दोनों के दोनों ये क्या है, कॉफ़ी की जाति है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, तो आगे देखिए, नर्सरी में कॉफ़ी के बीजों को बोया जाता है दोस्तों। तो नर्सरी में कॉफ़ी के बीजों को दिसंबर जनवरी में बोया जाता है, ठीक है। कब बोया जाता है दोस्तों, तो दिसंबर जनवरी में नर्सरी में बोया जाता है, ठीक। और दोस्तों और देखेंगे आगे, और आगे है दोस्तों आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कॉफ़ी के क्षेत्र में छायादार पौधे लगाए जाते हैं दोस्तों। तो आप कॉफ़ी वाले क्षेत्र में छायादार वृक्ष के लिए डिलोनिक्स रेजिया नाम का जो पेड़ होता है उसको लगा सकते हैं, ठीक है। डिलोनिक्स रेजिया ये है एक पेड़ का वैज्ञानिक नाम है, इसको लगाया जाता है कॉफ़ी वाले क्षेत्र में छाया के लिए। और दोस्तों आगे देखेंगे, उससे पहले फिर से बोल रहा हूँ, जिन छात्रों को PDF नोट्स चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पर। और दोस्तों आप लोग वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए, और आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे दोस्तों रबर का कुल है, यानी रबर किस फैमिली से आता है दोस्तों, तो जो रबर होता है वो EU4BAC फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। यानी जहाँ भी आपसे पूछा जाए इस तरह के प्रश्न, तो आपको उत्तर देना होगा EU4BAC, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे भारत में प्राकृतिक रबर का वार्षिक उत्पादन दोस्तों, तो जो रबर है प्राकृतिक रबर का उत्पादन जो है वो 800,000 टन भारत में प्रति ईयर मतलब हर साल होता है। कितना दोस्तों, 80,000 टन होता है, ठीक है। यहाँ बीच में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी जो भारत में हर साल रबर का उत्पादन होता है दोस्तों कितना होता है, 80,000 टन होता है। और आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है रबर पौधों की प्रवर्धन होती है, तो दोस्तों जो रबर होता है उसका पौध प्रवर्धन उसका प्रोपगेशन कैसे होता है दोस्तों, तो दोस्तों उसका प्रोपगेशन होता है बीज द्वारा, गुटी द्वारा, कलिकायन द्वारा, ये तीनों के द्वारा होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगर आपको प्रश्न पत्र में बीज, गुटी या कलिकायन कोई भी ऑप्शन मिले तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। और दोस्तों आगे है, रबर के मध्यम रोपण का अंतर रखा जाता है, यानी रबर का जो पौधा होता है उसको कितने रोपण अंतर पर लगाया जाता है दोस्तों, तो उसका जो रोपण अंतर होता है 4.5 × 4.5 मीटर, यानी पौध से पौध की दूरी कितना होना चाहिए दोस्तों, 4.5 मीटर, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 4.5 मीटर होनी चाहिए। ये होता है रबर का रोपण अंतर। और दोस्तों आगे है, रबर की औसत पैदावार प्रति हेक्टेयर होती है दोस्तों, तो दोस्तों जो रबर होता है उसका जो प्रोडक्शन होता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से
2000 से 3000 किलोग्राम होता है, यानी 2 टन से 3 टन जो होता है वो रबर का प्रोडक्शन पर हेक्टेयर के हिसाब से होता है। और दोस्तों आगे है भारतवर्ष में सुपारी का क्षेत्रफल है दोस्तों, तो भारतवर्ष में सुपारी का क्षेत्रफल 466.16 हज़ार, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 466.16 हज़ार हेक्टेयर है क्या है दोस्तों, भारत में सुपारी का क्षेत्रफल है। ठीक है, सुपारी के वृक्षों के मध्य अंतर रखा जाता है दोस्तों, दोस्तों जो सुपारी के वृक्षों हैं उसको 2.7 × 2.7 मीटर के अंतर पर लगाया जाता है, यानी ये इसका हो गया रोपण अंतर। और आगे देखेंगे दोस्तों सुपारी के प्रवर्धन के व्यावसायिक तरीका है, तो दोस्तों जो सुपारी होता है उसको बीज द्वारा परिवर्धित किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है पक्की सूखी सुपारी की प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है दोस्तों कितनी होती है, 1400 से 1600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, यानी इसका जो ऑप्शन डी वाला है, अगर आपको प्रश्न में पूछा जाए तो आप 1400 से 1600 या ऐसे सिमिलर जितने ऑप्शन होंगे जो ऑप्शन होगा उसको टिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और PDF नोट्स लेने के लिए हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, जितने भी पेपर होने वाले हैं सबका PDF नोट आपको आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान दोस्तों।